गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, क्या आप जानते हो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ओके। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि 12 महीनों के नाम क्या हैं और इनमें कितने दिन होते हैं? तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण 9 के अध्याय संख्या 15 में दिन, महीने और त्यौहार का अध्ययन करेंगे। आइए दिनों के बारे में सीखते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह के 7 दिनों का क्रम इस प्रकार है: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अच्छा बच्चों, बृहस्पतिवार को हम और किस नाम से जानते हैं? पता है आपको? बृहस्पतिवार को वीरवार तथा गुरुवार भी कहते हैं और रविवार को इतवार भी कहते हैं। बच्चों, आगे हम इसी क्रम में वर्ष के 12 महीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप सब? तो आइए पढ़ते हैं। वर्ष का हमारा पहला महीना होता है जनवरी, और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। सितंबर में 30। अक्टूबर में 31। नवंबर में 30। और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो बच्चों, आया समझ में कि किस महीने में कितने दिन होते हैं? ये तो वर्ष के 12 अंग्रेजी महीने थे। आइए अब हम हिंदी भारतीय महीनों के बारे में पढ़ें, जो इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो बच्चों, अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं और एक वर्ष में महीने कितने होते हैं और इन महीनों के हिंदी और अंग्रेजी में नाम क्या हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो भाग 2 में हम त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा गृह कार्य: सप्ताह में कितने दिन होते हैं? दिनों के नाम लिखिए। थैंक यू।